हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। बिहार के भागलपुर में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां एक एसएसपी को थाने के दरोगा ने ही फटकार लगा दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एसएसपी बाबूराम सिविल ड्रेस में निरीक्षण करने निकले थे। इस दौरान वो जोगसर इलाके के आदमपुर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने दरोगा से बाइक चोरी की बात की, निवेदन किया कि वो उनकी शिकायत पर कार्रवाई करे। लेकिन उन्हें ही क्या पता था कि दरोगा कार्रवाई करने की वजह उन्हें ही डांटने लगेगा। कार्रवाई की बात सुनकर दरोगा को गुस्सा आ गया और वो एसएसपी बाबूराम को भला बुरा करने लगे। इस मामले पर एसएसपी बाबूराम ने बताया कि वो अपराध नियंत्रण और पुलिसिया व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए सिविल ड्रेस में निरीक्षण करने के लिए निकले थे। जोगसर थाने में जब उन्होंने अपनी पहचान बताए बिना एक आम आदमी की तरह बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो एसआई हित नारायण ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यही नहीं, उस दौरान जब मीडिया कर्मी वीडियो बनाने लगे तो दरोगा ने पत्रकारों को भी डांट दिया और वीडियो बनाने से रोक दिया। पूरे मामले पर भागलपुर के बाबूराम ने बताया कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के अभी और काउंसलिंग की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वो देखना चाह रहे थे कि आम आदमी को थाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे चूक ना पाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देख